हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम एक सर्च बॉक्स बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। और इस सर्च बॉक्स को बनाने से फायदा ये होगा कि जो भी आप सर्च करेंगे उसी सर्च बॉक्स में आपको उसी के हिसाब से नीचे जो है आइटम्स डिस्प्ले होंगे। तो कैसे ये करेंगे आइए जानते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए हम रखते हैं प्रोडक्ट आईडी, यहाँ लिखा मैंने प्रोडक्ट आईडी, ओके, इसे हम ऑटो नंबर रख रहे हैं। और यहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट का नेम, तो यहां लिखा हमने प्रोडक्ट नेम, यहां प्रोडक्ट का नेम आएगा। और फिर यहां पर स्टॉक अवेलेबल, तो यहां पे स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है, स्टॉक सोल्ड, ठीक है, यानी स्टॉक जो बेच दिया गया वो इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम इसको नंबर रखते हैं और ये यहां से इसको भी नंबर रखेंगे। दोनों को जो है यहां से हम बना लेंगे डबल। यहां पे डबल रखने से फायदा क्या होगा कि हम डेसिमल में भी वैल्यूज एंटर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर भी नंबर रख के और इसको भी डबल बना लें आप, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब चाहे तो आप अलग से यूनिट्स भी बना सकते हैं, फिलहाल मैं यूनिट नहीं बना रहा, ठीक है। यहां से अब ओके पे क्लिक करें और ये इस तरह से हमारे सामने आएगा, ठीक है। एक कॉलम एक फील्ड इसमें और बना रहे हैं हम, स्टॉक अवेलेबल After sold, ठीक है। तो ये भी एक फील्ड हमने बना ली है और यहाँ पे नंबर रख के और इसको भी हम डेसिमल वैल्यूज के लिए यहाँ डबल कर देंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट नेम यहाँ पे मैं रखता हूँ वीट, ये गेहूं स्टॉक अवेलेबल, तो यहाँ पे 2000 किलोग्राम है, ठीक है, यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं बनाया है। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें जो भी सोल्ड हो जाता हो उसको ये यहाँ पे आए और उसके हिसाब से यहाँ पे स्टॉक अवेलेबिलिटी यहाँ पे आ जाए, ठीक है, ये हमें करना है। तो इसके लिए इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ से हमको बनानी है क्वेरी, तो यहाँ से क्वेरी बना लेते हैं। तो यहाँ से क्वेरी डिजाइन में जाएंगे और यहाँ से ऐड करवा लेते हैं इसको, और इन सारे टेबल्स को हमें लेना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सारे एक एक करके जो फील्ड नेम है इनको ले लेते हैं। अब यहां पर जो हमने बनाया है बेच दिया गया गेहूं, तो कितना बचा आपके पास वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फॉर्म में ले लेना है, ठीक है। आप चाहे तो फॉर्म व्यू में जाकर डायरेक्ट क्वेरी बना सकते हैं और ये भी एक तरीका हो सकता है क्वेरी बनाने का। अगर मान लीजिए आप फॉर्म व्यू में क्वेरी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो आपको बता देता हूं। क्रिएट पे चलेंगे, फॉर्म पे डायरेक्टली मैं क्लिक कर देता, ये क्लिक कर दिया, यहां पर इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आएगा। अब आपको यहां से डिजाइन व्यू पे जाना है, ठीक है, और डिजाइन व्यू पे जाने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, यहां से छोटा कर लिया इसको, ठीक है। अब यहां पर हमें जो भी अप्लाई करना है वो यहां पे अप्लाई करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फुटर पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। तो यहां से क्लिक किया हमने और यहां पर टेक्स्ट बॉक्स हम बना लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा रखेंगे और यहां से इसको भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा साइज। तो ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। अब यहां से प्रॉपर्टी शीट पे क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी शीट पे जाने के बाद ये जो कैप्शन है ना इसको हम चेंज कर देंगे। यहां से कैप्शन हम दे देंगे स्टॉक अवेलेबल आफ्टर सोल्ड, ठीक है, ये हमने दे दिया इसको नाम, ओके। तो ये यहां पर आ गया, इसको चाहे तो थोड़ा सा आप और यहां से विड्थ बढ़ा सकते हैं इसकी,
ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब यहां पर इस पे रखना है हमें, और इसमें भी वही चीज करेंगे हम, ये जो हमने नाम दिया है यहाँ पे, कैप्शन जो दिया हुआ है ये, यहां पे सिर्फ लिख देता हूं आफ्टर सोल्ड, ठीक है। और यहां पर आप कंट्रोल सोर्स पे आकर के हमें क्या करना है, यहां पर थ्री जो डॉट्स बनी हुई है इस पे क्लिक करना है, इज इक्वल टू का निशान लगाना है, और सबसे पहले पहले जो है हमें स्टॉक अवेलेबल लेना है यहां पे। तो यहां पे लिखा मैंने स्टॉक अवेलेबल, अवेलेबल ये लिख दिया हमने, और इतना लिखने के बाद क्या करना है, इस ब्रैकेट को करना है क्लोज, और माइनस कर देना है इसमें से स्टॉक सोल्ड, ठीक है। तो यहां पे लिखिए स्टॉक सोल्ड, तो सोल्ड यहां पर लिख दिया हमने, और इसको क्लोज किया, और यहां से इसको ओके प्रेस किया, ठीक है। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे और यहां पर हम क्लिक करेंगे, तो ये देख सकते हैं यहां 1300 दिखा रहा है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि अगर हम यहां पे दूसरा रिकॉर्ड इंटर करें, जैसे मान लीजिए ये तो वीट हो गया, अब मान लीजिए यहां पर प्रोडक्ट का नाम मैंने लिख दिया राइस, ठीक है, और यहां पे स्टॉक अवेलेबल जो भी स्टॉक है, जैसे मान लीजिए 7000 किलोग्राम अवेलेबल है, और मान लीजिए कि हमने 3000 किलोग्राम सोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये यहां पर क्लिक किया हमने, तो ये यहां पर दिखा रहा है, ठीक है। इस वाले इसको हटाना है हमें, इसको लगाने कोई मतलब नहीं, इसको हटा दिया। आप देखिए, तो ये आप देख सकते हैं कि सोल्ड करने के बाद कितना हमारे पास अवेलेबल है ये बता रहा है। अब इसमें हम क्या चाहते हैं कि यहां पर एक सर्च बॉक्स आए जिसमें हम सर्च करें तो सारी चीजें हमें दिखाई पड़े, तो इसके लिए हमें वापस चलना होगा डिजाइन व्यू पे, और यहां पर ऊपर में ही हम सर्च बॉक्स बना लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे करेंगे, और यहां पर जाकर के, और ये हमने कर दिया इसको ड्रैग, और यहां पे दिया हुआ है फाइंड अ रिकॉर्ड ऑन माय फॉर्म बेस्ड ऑन वैल्यू आई सेलेक्टेड टू माय कॉम्बो बॉक्स, तो इसको हमको सेलेक्ट रखना है, ओके प्रेस करना है। यहां पर आईडी ले लीजिए आप, आईडी की ही हमें जरूरत है, ओके, और यहां पे प्रोडक्ट आईडी हो जाएगा, प्रोडक्ट आईडी के ही बेस पे ये सर्च करेगा। तो यहां पर रखते हैं, और प्रॉपर्टी शीट में जाकर के, और यहां पर कैप्शन में जाकर के, इसको प्रोडक्ट आईडी 1 आ रहा है तो इसको हटा देते हैं, और यहां पर भी प्रोडक्ट आईडी 1 आ रहा है तो इसको भी हटा देते हैं, प्रोडक्ट आईडी ही हमें रखना है, ठीक है। ये हमने कर लिया, और यहां पर ये जो आ रहा है कॉम्बो 16, इसको भी हम प्रोडक्ट आईडी के नाम से कर देते हैं, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और यहां से अब व्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां 1, 2 प्रोडक्ट आईडी आ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम तीसरी प्रोडक्ट आईडी एंटर करने वाले हैं, 2 तो एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे तीसरा एंटर कर रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए हमें एंटर करना है सपोज कीजिए, मान लीजिए हमने एंटर किया बेसन, ठीक है, और बेसन के स्टॉक जो है 500 किलोग्राम हमने मंगाए हैं, ठीक है, और यहाँ पर सोल्ड किया हमने 120 किलो, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर अपने आप आ जाएगा 380 किलो स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। तो यहां से अब फिर वापस इसको सेव करता हूं, ये सेव किया हमने, और यहां से जा करके अब हमको ये अभी रिकॉर्ड ये अपडेट नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं इसको पहले क्लोज कर लेते हैं, यहां से क्लोज किया देन फिर ओपन करते हैं इसको, तो अब आप देख पाएंगे कि ये रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब यहां से जब तीसरा आइटम हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये जो तीसरा जो आइटम हमने बेसन लिया है इसका पूरा हिसाब किताब दिखाएगा, ठीक है, और यहां से अगर पहला आइटम सेलेक्ट करेंगे तो पहले का पूरा हिसाब किताब दिखाएगा। अब मान लीजिए एक और डेटा इसमें हमने एंटर कर दिया यहां से, तो ये यहां पर हमने रखा इसे। अब मान लीजिए हम यहां पर सपोज कीजिए रख रहे हैं शुगर, तो यहां रख दिया हमने शुगर, और शुगर का स्टॉक जो है 500 किलोग्राम है हमारे पास, और मान लीजिए सोल्ड कर दिया 30 किलो, ठीक है। तो यहां पर देखिए वो सारी चीजें स्टोर हो गई आकर के। अब यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए आप, और फिर आते हैं शुगर के बाद। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, जैसे मान लीजिए एप्पल जूस ये दे दिया हमने, और एप्पल जूस का जो स्टॉक है वो 100 लीटर अवेलेबल है हमारे पास, 100 बॉटल्स अवेलेबल है, ठीक है, और कितना 50 हमने सोल्ड कर दिए, तो कितना हमारे पास बचा वो आकर के सेव हो गया यहाँ।
तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड सेव हो चुके हैं। ये इनको देख लेते हैं, इसको एक बार मैं क्लोज करता हूँ फिर यहाँ से ओपन करता हूँ। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास 5 आइटम्स की पूरी लिस्ट मौजूद है। आप जिस भी आइटम को देखना चाहें, जैसे 5वां आइटम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके 50 स्टॉक जो है बचे हुए हैं और बाकी के स्टॉक जो है खर्च हो चुके हैं। यहाँ पर तीसरा आइटम देखना चाहें तो यहाँ से तीसरा आइटम देख सकते हैं। अब बाकी बचा कि यहाँ पर आप इसको थोड़ा एक ऐसा हम व्यू देना चाहते हैं कि ये जो है कलर में आए और बताए कि कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो यहाँ से आप इसको कोई कलर प्रोवाइड कर दें, जैसे मान लीजिए ये कलर हमने प्रोवाइड कर दिया, अब इसको सेव भी कर दिया, तो यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो ये इस तरीके से हमें नजर आएगा, ठीक है। येलो कलर में ये दिखाएगा तो यहाँ पर ध्यान जाएगा आपका, और यहाँ से अगर आप चेंज करते हैं तो ये चीज भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।